ये किलर इस लड़की को किडनैप करके इसको तेज धार नाइफ से काटने वाला होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि लड़की ना तो डरी हुई है और ना ही रो रही है। ये देखकर किलर उससे भी बड़े चाकू से उसे काटने का सोचता है। इतने बड़े चाकू को देख लड़की हंसने लगती है, जिससे किलर उससे गुस्से में पूछता है कि तुम क्यों हंस रही हो, जिस पर लड़की किलर को कहती है कि तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे तुमसे बचा लेगा। इस लड़की का नाम दामिनी है, जो स्टेशन पर अपने बॉयफ्रेंड के आने का इंतजार कर रही है, लेकिन उसी टाइम एक किलर वहां आकर दामिनी के चेहरे पर स्प्रे मारकर उसे बेहोश कर देता है। लेकिन दामिनी के पूरी तरह से बेहोश होने से पहले वो मुस्कुराती है, क्योंकि उसने अपने ब्लाइंड बॉयफ्रेंड को उसी स्टेशन पर आते देख लिया था। लेकिन किलर जब देखता है कि वो बंदा अंधा है, तो वो चुपके से दामिनी को उठाकर वहां से ले जाता है, जिससे गौतम को थोड़ा शक होता है और वो दामिनी को आवाज देता है। ऐसे ही थोड़ा इधर उधर ढूंढने पर उसे दामिनी की रिंग मिल जाती है, जिससे उसका शक यकीन में बदल जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड दामिनी किसी मुसीबत में है। अब आगे क्या होता है, चलिए जानते हैं दोस्तों। तो कहानी की शुरुआत एक सुनसान जगह से होती है, जहां इस कहानी का साइको किलर एक लड़की को बिस्तर पर लिटाकर उसके हाथ पैर बांधकर बिना उससे बात किए उसका सर धड़ से अलग कर देता है। उसके बचे हुए शरीर को ले जाकर एक जगह पर रख देता है। सुबह यह मामला पुलिस तक पहुंचता है, पुलिस एक्शन में आती है और सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा कर वहां से चली जाती है। इसी शहर में हमारा हीरो गौतम भी रहता है, जो देख नहीं सकता, मगर उसे दामिनी नाम की एक रेडियो जॉकी को सुनना काफी पसंद था और वो अक्सर उसका शो सुनता रहता था। दामिनी को सुनते सुनते गौतम को उससे प्यार हो गया था, लेकिन अभी तक ये सिर्फ वन साइडेड लव था। गौतम को अच्छी तरह से मालूम होता है कि कब किस समय दामिनी कहाँ जाने वाली है और आगे क्या करेगी, इसीलिए वो अपने दोस्त राजनायकम की मदद से उसको फॉलो करता रहता है। इसी दौरान दामिनी को फॉलो करते हुए वो एक शादी में पहुंच जाता है। गौतम गाना गाकर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश भी करता है। थोड़ी देर में वो दामिनी को प्रपोज भी कर देता है, लेकिन दामिनी उसके प्रपोजल को शुरुआत में ठुकरा देती है, पर गौतम के काफी रिक्वेस्ट करने के बाद दामिनी उसे कहती है कि अच्छा ठीक है, कल मैं एक जगह पर जाने वाली हूँ, अगर तुम उस जगह का पता करके वहाँ मुझे मिल गए तो मैं तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लूंगी, साथ ही मान लूंगी कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो। साथ ही उसे हिंट देते हुए वो गौतम को कल का प्रोग्राम ध्यान से सुनने को बोलती है। अगले दिन गौतम पूरे ध्यान से रेडियो पर दामिनी का प्रोग्राम सुनता रहता है। दूसरी तरफ दामिनी रात के समय गौतम का एक रेलवे स्टेशन पर इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि गौतम जरूर आएगा, मगर काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी गौतम नहीं आता और उसके बदले वो साइको किलर वहां आ जाता है, जो दामिनी के चेहरे पर स्प्रे करके उसे बेहोश कर देता है। लेकिन बेहोश होने से पहले दामिनी गौतम को वहां आते हुए देख लेती है और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। गौतम दामिनी के पास आते ही उसके परफ्यूम की खुशबू को सूंघ लेता है। गौतम दामिनी को आवाज लगाते हुए बेंच की तरफ बढ़ता जाता है, मगर दिमाग से शातिर साइको किलर बड़े ही शांति से दामिनी को अपने कंधे पर उठाकर गौतम के सामने से निकल जाता है। ये सीन सुनने में जितना अच्छा लग रहा है, उससे कई गुना ज्यादा ही बोन चिलिंग एक्सपीरियंस देने वाला है। खैर, गौतम को लगता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो पुलिस को कॉल करके यहाँ बुला लेता है और जो हुआ वो बताते हुए कहता है कि दामिनी को उसी साइको किलर ने अगवा कर लिया है। वहीं वो साइको किलर दामिनी को एक जगह लाकर उसके हाथ पैर काटने को तैयार ही था कि तभी उसकी नजर दामिनी के चेहरे पर जाती है, जिस पर किसी प्रकार का कोई डर नहीं था, बल्कि वो उल्टा मुस्कुरा रही थी। किलर उससे पूछता है कि तुम मुस्कुरा क्यों रही हो और तुम्हारे चेहरे पर कोई डर क्यों नहीं है। दामिनी उसे बताती है कि आज से ठीक 7 दिन बाद मेरा जन्मदिन है और मेरे जन्मदिन तक अगर मैं गौतम तक नहीं पहुंच पाई तो वो मुझे कहीं से भी ढूंढ निकालेगा। ये सब सुनकर किलर दामिनी को नहीं मारता और उसके चैलेंज को स्वीकार कर लेता है। थोड़ी देर बाद किलर बाहर जाकर एक प्रोस्टिट्यूट को बुक करता है और बेहोश करके अपने यहाँ ले आता है। दामिनी की जगह उसके हाथ पैर बांधकर उसका भी सर धड़ से अलग कर देता है। इतना सब करने के बाद किलर दामिनी से कहता है कि जब गौतम तुम्हारी खोज करते हुए यहाँ आएगा, तब मैं उसका सर काट के तुम्हारे हाथ में और तुम्हारा सर काट के उसके हाथ में रख दूंगा। अगले दिन किलर प्रोस्टिट्यूट की बॉडी को बाहर फेंक देता है। जल्दी ही पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है। पुलिस ऑफिसर मुथु कमिश्नर को बताता है कि दामिनी के पिता ने कंफर्म किया है कि ये बॉडी दामिनी की नहीं है। बॉडी की बात सुनकर गौतम भी वहाँ पहुँच जाता है और स्मेल से वो भी समझ जाता है कि ये दामिनी नहीं है। गौतम फौरन सुशीला नाम की साइकेट्रिस्ट के पास जाता है। जाकर वो उन्हें बताता है कि दामिनी अभी भी जिंदा है। डॉक्टर सुशीला बताती है कि ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि वो किलर जिस भी लड़की को किडनैप करके ले गया है उसे मारकर ही छोड़ता है। फिर दामिनी के केस में ऐसा क्या अलग हुआ? साइकेट्रिस्ट गौतम को हौसला देते हुए कहती है कि 1.5 साल से पुलिस उसके पीछे पड़ी है, मगर अभी तक उसे नहीं पकड़ पाई। शायद इस बार तुम उसे पकड़ सकते हो। लेकिन फिर भी गौतम पुलिस कमिश्नर के पास जाता है उनसे मदद मांगने के लिए। वहीं पर अकबर नाम का कांस्टेबल उसे कमला नाम की एक एक्स पुलिस ऑफिसर के बारे में बताता है, जो पहले इस केस पर काम कर चुकी थी। कमला का पता निकालकर गौतम फौरन उसके घर पहुंचता है और उसे दामिनी के बारे में सब कुछ बता देता है, लेकिन कमला उसे यहां आने के लिए मना कर देती है। साथ ही उसे अनाप शनाप बोलने लगती है। दरअसल एक एक्सीडेंट में कमला ने अपने दोनों हाथ पैर खो
खो दिए थे। इसके बाद से वो व्हीलचेयर के हवाले हो गई थी। इससे गुस्सा होकर गौतम उसे एक थप्पड़ मारकर वहां से चला आता है। दूसरी तरफ पुलिस वाले भी उस प्रोस्टिट्यूट के इलाके में पहुंचकर एक औरत से पूछताछ करने लगते हैं। औरत कहती है कि कल रात रानी ने मुझे फोन किया था और बता रही थी कि वो अपने कस्टमर के साथ है। उसका कस्टमर उसे अच्छी सी गाड़ी में कहीं ले जा रहा था। वो दिखने में भी काफी अच्छा था। इस तरह की कुछ जानकारी इकट्ठा कर पुलिस को पता चलता है कि किलर एक अमीर आदमी है। उसकी उम्र तकरीबन 28 से 30 साल के आसपास की है। उसकी एक या दो लग्जरी कार भी होगी। खैर, उसी रात कमला अपनी माँ के साथ गौतम के घर पहुँचती है। इस बार उसने सोच लिया था कि वो गौतम की मदद करेगी और अब वो एक भी लड़की की जान नहीं जाने देगी। कमला कहती है कि सबसे पहले तो हमें इस केस की पूरी जानकारी इकट्ठा करनी होगी, जो कि अभी CID के पास है, इसलिए हमें वहाँ से सारी जानकारी लानी होगी। दरअसल 1.5 साल पहले वो इस केस पर काम कर चुकी थी, इसी वजह से उसे मालूम था कि सबूत और डिटेल्स कहाँ रखे हैं। कमला की मदद से गौतम CID के ऑफिस तक पहुँच जाता है। जब गौतम अलमारी खोलने ही वाला होता है तब एक आदमी पीछे से उसे पकड़ लेता है। तभी मुथु अपने घर की चाबी वापस लेने के लिए ऑफिस में आता है। मुथु को थोड़ा शक होता है पर वहाँ कोई नहीं था। मुथु के जाने के बाद हमको पता चलता है कि ऑफिस में दूसरा इंसान अकबर था और उसने ही उसको छुपा दिया था। कांस्टेबल अकबर गौतम की मदद करते हुए सभी डिटेल्ड पेपर्स की जेरोक्स कॉपी उसे दे देता है। खैर, डिटेल्स को घर ले जाकर जब कमला उसको स्टडी करती है तो उसे पता चलता है कि अब कुल मिलाकर 14 लड़कियां गायब हुई हैं। उनमें से 4 तो प्रोस्टिट्यूट हैं और बाकी सभी लड़कियां अपनी फील्ड में काफी सक्सेसफुल थी। इसी तरह जो जो लड़की किडनैप हुई वो दिन दहाड़े रोड से गायब हो गई। गौतम पुलिस की टीम के साथ सभी विक्टिम्स के घर जाकर किडनैपिंग के बारे में पूछता है। सभी का कहना था कि घर लौटते वक्त रास्ते से उनकी बच्ची गायब हो गई थी। ये सारी बातें सुनकर गौतम हर जगह पर जाता है जहां इन लड़कियों को आखिरी बार देखा गया था। गौतम नोटिस करता है सभी क्राइम सीन पर एक चीज कॉमन है, जो कि एक डस्टबिन था, जिससे गौतम और कमला समझ जाते हैं कि जब वो लड़की अपने घर वापस जा रही होगी तो उन्हें डस्टबिन के पास जरूर कुछ दिखा होगा, इसलिए वो अपनी गाड़ी को रोक कर उतरी होगी। पास ही खेल रहे बच्चों से पूछने पर उसे पता चलता है कि हमारे बच्चे ने रूपा नाम की लड़की के हाथ में एक पपी को देखा था। इस बात से गौतम और कमला प्रेडिक्ट करते हैं कि पहले किलर एक क्यूट से पपी को खरीदता होगा और उसे लाकर डस्टबिन के पास छोड़ देता होगा। फिर जब लड़की पपी को देखकर अपनी गाड़ी रोकती होगी तभी वो किडनैपर कहता होगा कि ये कुत्ता मेरा है, प्लीज इसे लाकर मुझे दे दो। और जैसे ही लड़की उसके पास जाती होगी वो किसी तरह से उनको बेहोश करके किडनैप कर लेता होगा। दूसरे दिन किडनैपर ठीक इसी प्लानिंग से एक नई लड़की को किडनैप करने वाला होता है, मगर वो इसमें सफल नहीं हो पाता क्योंकि कल कमला और गौतम ने ट्विटर पर ट्वीट करके सबको बता दिया था कि जहां पर भी कुत्ता दिखे तो उससे दूर ही रहें, इसलिए ये लड़की किलर के जाल में नहीं फंसी। ट्वीट का पता चलते ही तिलमिलाया हुआ किलर हैकर के पास जाकर ये पोस्ट डिलीट करने को कहता है और काम होने के बाद वो इस हैकर को भी मार देता है। उसी रात किलर उस लड़की को भी किडनैप कर लेता है जो आज सुबह इससे बच गई थी। किलर उस लड़की को अपने यहाँ लाकर एक बार फिर मार डालता है, मगर इस बार वो लड़की का सर काटकर उसका धड़ लाकर गौतम के घर के बाहर रखकर एक मैसेज भेजता है जिस पर लिखा था एडवांस हैप्पी बर्थडे। गौतम को उस लड़की के शरीर से एक अजीब सी महक आती है, इसलिए वो राजनायकम से कहकर एक सफेद और एक काले पिग को लाने के लिए कहता है। राजनायकम ऐसा ही करता है और वो उसके सामने दोनों पिग लाकर रख देता है। गौतम कमला को बताता है कि उसे इस लड़की की बॉडी के साथ ही इससे पहले मरने वाली प्रोस्टिट्यूट लड़की से सफेद पिग वाली गंध आ रही थी। वो लोग एक एक करके सभी पिग फार्म पर जाकर खोजबीन करने लगते हैं, मगर कोई भी पिग फार्म में उनको ऐसा यंग मालिक दिखाई नहीं देता जो किलर के हुलिये के साथ मैच होता हो। इसी दौरान मुथु को ये बात पता चल जाती है कि गौतम और उसकी टीम पिग फार्म जाकर पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि मुथु ने एक आदमी को गौतम के पीछे लगा रखा था। मुथु ऐसे ही एक पिग फार्म पर जाता है और इत्तेफाक से एक फार्म का मालिक वही किलर होता है जिसे ये अभी तक खोज रहे थे। पुलिस को अपने यहाँ देख किलर घबरा जाता है और पुलिस वाले को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। इसके बाद हम पुलिस वाले को उसके कमरे में बंद देखते हैं जिसमें किलर अपने सभी कारनामों को अंजाम दिया करता था। जब वो किलर वहां पर नहीं होता दामिनी उसको होश में लाकर उसे यहां से भागने को कहती है, लेकिन मुथु कहता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा। थोड़ी देर में वो साइको किलर मुथु के पास आकर उसे भी मार डालता है। इसी तरह सभी पिग फार्म की जांच करने पर गौतम और उसकी टीम के हाथ कोई सबूत नहीं लगता, लेकिन कमला को पूरा भरोसा था कि किलर इन्हीं में से किसी एक पिग फार्म में मौजूद होगा। नतीजे ना मिलने पर बेचारा गौतम काफी दुखी होता है और फैसला करता है कि आज रात वो घर पर अकेला रहेगा। थोड़ी देर बाद साइको किलर की गाड़ी वहां आ जाती है। गौतम समझ जाता है कि ये किलर की गाड़ी है, इसलिए वो जानबूझकर अपने घर से बाहर निकलकर अपने हाथ में एक कैक्टस का पौधा लेकर गाड़ी के पास जाता है। वहीं दूर खड़ा राजनायकम अपनी गाड़ी से किलर की गाड़ी को फॉलो करने लगता है। दोनों के बीच में एक काफी लंबी चेज होती है। दुर्भाग्य से राजनायकम किलर के हाथों मारा जाता है। किलर राजनायकम के फोन से गौतम को फोन करके बताता है कि मैं दामिनी को उसके जन्मदिन वाले दिन मार डालूंगा। गौतम
राजनायकम को अगले दिन राजनायकम के बारे में पता चलता है। ये सुनकर वो बहुत दुखी होता है, लेकिन राजनायकम उसकी आंखें था, साथ ही एक सच्चा दोस्त भी। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर गौतम को उसका सामान देते हुए उसे बताते हैं कि किलर उसकी दाहिने हाथ की छोटी उंगली को काटकर अपने साथ ले गया है। ये सब देखने के बाद गौतम कमला और उसकी माँ को कहता है कि वो अब और किलर के पीछे नहीं भागेगा। इस बात से कमला काफी नाराज हो जाती है और कहती है कि अगर तुम्हें इतनी जल्दी हार माननी थी तो मुझे क्यों निकाला अंधेरे से बाहर? क्या जरूरत थी मुझे उम्मीद देने की? सब मेरी गलती थी जो तुम पर भरोसा किया। अगर उस समय मैं कॉलेज की सीढ़ियों से नहीं गिरी होती तो आज मैं ये केस अकेले ही सॉल्व कर लेती। ये कॉलेज वाली बात सुनकर गौतम और कमला सीधे उस कॉलेज में जाकर पूछताछ करते हैं जहाँ कमला 1.5 साल पहले आई थी। दरअसल यहाँ एक स्टूडेंट का भी मर्डर हुआ था, उसी सिलसिले में कमला यहाँ आई थी। सीसीटीवी फुटेज की जांच करने पर एक सस्पिशियस आदमी दिखाई देता है जो अपना मुंह छुपाए हुए बैठा था। कमला और गौतम दोनों फौरन प्रिंसिपल से मिलते हैं। उनसे पूछते हैं कि ये कौन व्यक्ति है जो इस वीडियो में आपके बगल में बैठा है। प्रिंसिपल उन्हें बताते हैं कि मुझे ये तो नहीं मालूम कि वो आदमी कौन था, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि वो एक लेफ्ट हैंडेड था क्योंकि उसने मेरे यहाँ पॉपकॉर्न भी बाएं हाथ से लिया था। साथ ही पूरे फंक्शन के दौरान उसका दायां हाथ उसकी पॉकेट में ही था। ये सब जानकर गौतम के दिमाग में एक बात अचानक से स्ट्राइक करती है और वो फौरन ही जाकर राजनायकम के सामान की जांच करता है। इससे उसे क्लियर हो जाता है कि किलर की दाहिने हाथ में छोटी उंगली नहीं है, दरअसल ये सुराग था जो गौतम का दोस्त उसके लिए छोड़कर गया था। जब किलर गौतम के घर आया था तभी गौतम ने उसकी गाड़ी का माप ले लिया था। इसी की मदद से वो अलग अलग कार बनाने वाली कंपनियों में पूछताछ करता है और आखिरकार उन्हें सफलता मिल जाती है। एक कार कंपनी वाला बताता है कि ठीक आपके बताए अनुसार अंगुलीमाल नाम का एक आदमी है जिसके नाम एक होटल है और एक पिग फार्म भी है। किलर का पता कर कमला और गौतम उसी पिग फार्म पर जाते हैं, मगर वहाँ उन्हें पता चलता है कि अंगुलीमाल अभी बाहर गया है। इसी मौके का फायदा उठाकर गौतम उसके ऑफिस की छानबीन करने लगता है। इसी खोज पड़ताल में गौतम को एक मैप मिलता है जो लाकर वो कमला को दिखाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक बार फिर दामिनी को देखते हैं इस बंद कोठरी में। दामिनी को एक औरत दिखती है जो कई सालों से यहाँ कैद है। दामिनी के पूछने पर वो बताती है कि मेरा नाम रेचल है। रेचल अंगुलीमाल की टीचर थी। अंगुलीमाल एक अनाथालय में बड़ा हुआ था। बचपन में रेचल ने किलर को सजा दी थी, उसी का बदला अंगुलीमाल आज उससे ले रहा है। दूसरी तरफ कमला मैप पर माचिस की तीलियां लगाकर गौतम के लिए मैप को समझने में आसान बना देती है। गौतम भी उंगलियों के सहारे मैप को याद कर लेता है। गौतम और कमला ठान लेते हैं कि ये दोनों जाकर दामिनी को वहाँ से छुड़ा लेंगे। कमला दिशा बताती है और गौतम ड्राइविंग करता है। अंगुलीमाल दामिनी को एक जगह लाकर एक कुर्सी पर बैठा देता है और उसके सामने उसकी टीचर रेचल भी होती है। असल में अंगुलीमाल के बचपन में जो घटना हुई थी उसको रिक्रिएट करता है। उसकी टीचर रेचल ने उसे बचपन में मास्टरबेट करने के लिए सजा दी थी। उस दिन टीचर रोज उसे 60 बार मारा करती थी। अंगुलीमाल अपने टीचर के सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि टीचर मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। जिस ड्रामे के बाद अंगुलीमाल अब दामिनी को मारने की तैयारी कर रहा था कि तभी दामिनी उससे सवाल पूछती है कि जो पुलिस वाले की डेड बॉडी पड़ी थी वो कौन था। इस पर अंगुलीमाल उसे बताता है कि जब मुझे गिरफ्तार करके जुवेनाइल होम ले जाया जा रहा था तब उसने मेरे साथ गलत हरकत की थी, इसलिए मैंने उसे मार डाला। गौतम और कमला भी उस जगह तक पहुँच ही जाते हैं। उनके अंदर जाते ही फैक्ट्री के अंदर लगे अलार्म बजना शुरू कर देते हैं। ये जानकर अंगुलीमाल जब गौतम को मारने ही वाला होता है तभी इलाके में पावर कट होती है। असल में कमला की माँ ने इस इलाके की लाइट को काट दिया था। अंधेरे में अंगुलीमाल गौतम को ढूंढने लगता है। अंगुलीमाल गौतम को बुलाते हुए कहता है कि मैं हार गया और तुम जीत गए, या तो मैं तुम्हें मारूंगा या तुम मुझे मार दो। तभी गौतम सामने आता है और अंगुलीमाल उसके पेट में छुरा मारकर उसे घायल कर देता है। गौतम भी बिजली का झटका देकर अंगुलीमाल को बेहोश कर देता है। बेहोश होते ही गौतम उसके हाथ जंजीरों से बांध देता है। उसके बाद गौतम दामिनी को ढूंढकर उसके हाथ पैर खोल देता है और जब ये दोनों यहाँ से भाग रहे होते हैं तब अंगुलीमाल जोर जोर से चिल्लाता है कि टीचर प्लीज मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, मैं अकेला नहीं रहना चाहता हूँ। ये सब सुन दामिनी चाबी लेकर उसकी तरफ फेंक देती है। जब अंगुलीमाल चाबी लेने के लिए आगे बढ़ता है तो उसकी टीचर रेचल चाबी को उठाकर निगल लेती है। अंगुलीमाल उसके पास जाकर उसका पेट फाड़कर खुद को जंजीरों से आजाद कर लेता है। जब तक वो भागकर बाहर आता तब तक दामिनी गौतम और कमला वहाँ से जा चुके थे। दूसरे दिन पुलिस दामिनी को प्रेस के सामने बैठा देती है। दामिनी से पूछने पर वो अपना बयान देती है कि मुझे उस व्यक्ति में कोई साइको किलर नहीं दिखा, बल्कि मुझे तो एक छोटा बच्चा दिखा जिसे सब ने अकेला छोड़ दिया था और उसके अकेलेपन का फायदा उठाया गया। अगर मैं ही उसकी माँ या बहन होती तो शायद उसे इतना प्यार मिलता कि वो कभी साइको किलर नहीं बनता। इस तरह से वो अपनी सिंपैथी शो करती है। ये इंटरव्यू अंगुलीमाल भी देख रहा था। वो समझ जाता है कि अब जाकर किसी ने उसे समझा है, किसी ने मुझे प्यार की नजरों से देखा। अपनी गलती और हार मानकर अंगुलीमाल एक पहाड़ से कूदकर अपनी जान दे देता है। इसी के साथ आज की फिल्म का यही अंत होता है। बात करें अगर
अगर फिल्म की, तो हमेशा से पैटर्न देखा जाता है कि जबरदस्त फिल्म या कहानी में राइटर या डायरेक्टर जिसे बुरा बताना होता है उसे बुरा ही बताते हैं, लेकिन शायद उसके साथ ये बताना भी बहुत जरूरी है कि आज वो ऐसा है तो क्यों है। हम अंगुलीमाल को ही देखेंगे तो क्या आप कभी उस व्यक्ति, समाज या लोगों को माफ कर पाते जिसने आपके साथ गलत किया है। एक टीचर का काम सिखाना होता है, लेकिन एक गलती की सजा रोज बार बार देना ये गलत है, जैसा कि हमने इस कहानी में देखा। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, हमारे फॉक्स एक्सप्लेनर हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।